क्वेश्चन 1.10 देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है अपन को, उसका मोमेंट भी मिल गया है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर्स, और 30 डिग्री पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जिसका इतना मैग्नीट्यूड है उसके रखा हुआ है। आपको सीधा बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा टॉर्क का, ठीक है। तो टॉर्क का तो एक फॉर्मूला है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंट का, जो कि होता है पी वेक्टर क्रॉस ऑफ ई वेक्टर। क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करी गई है तो टॉर्क का बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा सिंपल पी लिखा ई लिखा और ये हो गया साइन थीटा, राइट। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अज्यूम कर लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस किसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर चल रहा है ये डायपोल का, तो पी अगर राइट इस डायरेक्शन में जा रहा है 30 डिग्री पे, तो पी क्रॉस ई करेंगे तो यहाँ कहीं टॉर्क मिलेगा। डायरेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं करना है अपन को, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो टाउ अपना यहाँ से मिल रहा है, पी का टर्म होगा बच्चों 4 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फिर गिवन है अपन को 5 × 10⁴ साइन 30 होता है 1/2, कैंसिलेशन कर लेते हैं यहाँ से, ये हो रहा है 10, तो सीधा आंसर आ रहा है 5 हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा −4। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर्स, और ये ही वैल्यू आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड की है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी नहीं बताया था अपन को और डायपोल का भी एग्जैक्ट ओरिएंटेशन नहीं बताया था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 का ये बताया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सिर्फ आंसर आएगा इसका मैग्नीट्यूड में, और हमारा फाइनली लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज 10⁻⁴ न्यूटन्स मीटर, ठीक है बेटा।